दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 30 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के स्टार सिंगम अजय देवगन की फिल्म भोला, जो फिलहाल सिनेमा घरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने कलेक्शन के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, जो चाहे 2022 की फिल्में हो या 2023 की। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि आज सिनेमा घरों में भोला का 8वां दिन चल रहा है, और दोस्तों जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। फिल्म ने अपने पहले शुरुआती 4 दिन में यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अच्छा कलेक्शन किया था। उसके बाद मंडे को कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, और मंडे से लेकर अब तक 4 से 5वें दिन हो चुके हैं, फिल्म जो कमाई कर रही है उसमें बिल्कुल भी गिरावट देखी नहीं जा रही है, और आने वाला फ्राइडे, सैटरडे और संडे फिर से तूफान मचाने वाला है, और अजय देवगन की फिल्म भोला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिल्म भोला अपने 8 दिनों में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी देखा जाएगा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फ्लॉप। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो के दिल से लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात करें फिल्म भोला की, तो इसका बजट 100 करोड़ रुपए था। फिल्म में हम अजय देवगन के साथ तब्बू को भी देखते हैं, जो एक अहम किरदार में नजर आ रही है। और वही मैं बात करूँ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। वहीं फिल्म का इंडिया में 6 दिन का कलेक्शन देखा जाए तो इसने 53 करोड़ 58 लाख रुपए कमा लिए थे। इसके बाद फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो इसने 65 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं बात करें अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इसने पूरे वर्ल्ड में 74 करोड़ रुपए कमाए थे। 8वें दिन का कलेक्शन देखा जाए तो मूवी ने 4 करोड़ रुपए कमाए, और वहीं 8वें दिन यानी आज का दिन देखा जाए तो 4 करोड़ रुपए कमाया। फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए इंडिया में तो इसने 61 करोड़ 58 लाख रुपये कमाया, और वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 86 करोड़ रुपये कमा रही है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।